आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर का पनीर। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर और विनेगर 2 चम्मच और पानी। पानी हमें 2 गिलास चाहिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर के लिए। अब हम इस मिल्क पाउडर में पानी मिलाएंगे। इसे हमें दूध के जैसे बनाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, एक ही साथ पानी नहीं डालेंगे नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें। अब हम इसको लगातार फेंटेंगे। अब इसको फेंटते हुए इसमें पानी मिलाएंगे हम। अब इसमें पानी मिला लेंगे। इसको फेंटते हुए भी हमें 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम। अब ये दूध के फॉर्म में हो गए हैं। अब इसमें और पानी मिला लेंगे हम। अब हम इसको गैस पे चढ़ा लेंगे। अब इसको चलाते हुए हमें इस दूध को गर्म करना है नहीं तो नीचे से ये पकड़ लेगा। अब विनेगर में हम 1 चम्मच पानी मिलाएंगे, 1 या 2 चम्मच। अब दूध को हम लगातार चलाएंगे। जब ये दूध उबलने लगेगा तब हमें इसमें विनेगर डालना है। अब ये दूध उबल गया। अब इसमें हम विनेगर डाल देंगे। सारा विनेगर एक साथ नहीं डालना है हमें। अब विनेगर डाल के हम चला लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा फटने लगा है दूध। अब हम इसमें फिर से डालेंगे विनेगर। अगर आपको कम लगे ना फटे दूध तो आप फिर से 1 चम्मच विनेगर डाल के इसको दूध को फाड़ सकते हैं। ये देखिए अब दूध अच्छे से फटने लगा है।
ऐसे ही हम सारे विनीगर को डाल लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। अब ये देखिए दूध फट गया, कितनी अच्छे से फटा ये दूध। देखिए सारा पानी अलग हो गया दूध से। अब हम इसको छान लेंगे। अभी सारा पानी निचोड़ लेंगे। देखिए हमारा इतना सारा पनीर तैयार हुआ है एक कटोरी पाउडर मिल्क से। अब इसको ठंडे पानी से धुल लेंगे हम। इसमें विनेगर का टेस्ट ना आए। अब इस पनीर को हम फिर से कपड़े में डाल के निचोड़ लेंगे। और फिर इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे ऊपर से पनीर के ऊपर। और सारे पानी को निचोड़ लेंगे हम पनीर से। और अच्छे से सारे पानी को हमें निचोड़ना है। अब हम इसको शेप में कर लेंगे। आप चाहें जैसा भी शेप दे सकते हो। अब हम इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख देंगे ये शेप में आ जाए। बहुत जल्दी तैयार होता है पनीर बनके। ये देखिए हमारा पनीर तैयार हो गया। हम इसको अपने अब काट लेंगे शेप में हम। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हुआ है ये पनीर। देखिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।